बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, और इसी नहीं कहूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। मेरे गले में भी दर्द हुआ हुआ है, ज़ुकाम भी हुआ हुआ है मुझे, और माशाल्लाह से रोज़ा मैंने रखा हुआ है। रोज़े में काफ़ी परेशानी हुई इस दफ़ा, हमारी गैस नहीं होती थी, सुबह हमें पता ही नहीं चला कब से ही गैस की लोड शेडिंग हो रही, क्योंकि हम तो 5 के बाद ही कुछ देखते थे कि बनाते थे नाश्ता वगैरह। और कल भी गैस नहीं थी तो हमें इस्त्री गर्म करके चावल रखे हुए थे वो थोड़े से हमने गर्म किए, उसमें इस्त्री उल्टी करके रखी, उसमें हमने पैन रख के थोड़े से चावल हल्के से गर्म कर दिए थे। इतने ख़ास तो गर्म नहीं होते, लेकिन एक फ्रिज की ठंडक ख़त्म हो गई थी। आप भी ऐसे कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन एहतियात ज़रूरी, करंट वगैरह का ख्याल किया करें। तो हमने वो इस्तेमाल की, और आज भी कल शाम को जब मैंने रोज़ा खोलने का एहतियातन जब घर का खाना बना रही थी, मैंने 2 रोटियाँ पका कर रख दी थी और सालन भी रात का रख दिया था। मैंने शायद कहा कि कोई ख़राब भी थी, इस वजह से गैस नहीं होगी, फिर भी एहतियातन मैंने बोला पका कर रहा हूँ। लेकिन आज सुबह उठी तो आज भी गैस नहीं थी, फिर हमने वही वाली रोटी जो है मैंने और मेरी बेटी ने पैन भी गर्म करके मैंने और खालन उस ठंडक जो थी उसकी ख़त्म करके हमने रोज़ा रखा है। बहुत हालात ख़राब हो गए, अब अगर मुहर्रम का महीना है तो कितने मुसलमान रोज़े के लिए उठ रहे होंगे, तो गैस की सहूलत तो होनी चाहिए। और जहाँ पर गैस की सहूलत वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। हमें पता नहीं था कि गैस नहीं होगी, तो उनको एहतियातन कुछ करें, क्योंकि गैस हमारी होती है और हमने कोई भी सहूलत नहीं की हुई थी, काफ़ी परेशानी हुई। चलो खैर से रोज़ा तो हो गया, इंशाल्लाह ताला दिन गुजर जाएगा। और आप लोग कैसे हो? आज 10 मुहर्रम का दिन है, बहुत ही एहतराम का दिन है, बहुत ही हकीकत और एहतराम के साथ मनाइए और अपनी एहतियात कीजिएगा। जल से जुलूस जो भी हर किसी का अपना अपना होता है, फिरका में किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपनी एहतियात हर कोई रखे, बच्चों की, अपनी, जलूसों में हर जगह। और किसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए तो आप लोग पूरी मेरी वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, ना ही मेरी वीडियो को लाइक करते हैं आप लोग, और ना ही कि मेरी फैमिली में किससे शेयर कर रहे हैं, दोस्तों में एक आधे से जो मेरी वीडियो देखते हैं। वीडियो के मुताबिक मुझे कोई कमेंट आता ही नहीं है, तो मैं समझ जाती हूँ कि वीडियो किसी ने देखी ही नहीं है पूरी। तो जो सब्सक्राइबर उनका शुक्रिया, उनको भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं उनकी पूरी वीडियो देखती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो कोई भी नहीं देख रहा। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें। और आए मैं आप लोगों को बाहर का मंज़र दिखाती हूँ। आज दरख्त हर चीज़ उदास हुई हुई है, 10 मुहर्रम के लिए मुझे हर चीज़ उदास उदास सी नज़र आ रही है। आइए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बाहर में बात नहीं करती, आप लोगों को पता है कि पड़ोस में हमारे घर रहे अच्छा नहीं लगता है ज़ोर ज़ोर से बात करूँ, तो आप लोगों को मैं बाहर का मंज़र दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे और मैंने छोले चढ़ा दिए, छोले बॉयल हो रहे हैं। मैं चाट बनाती हूँ, चाट में तो मैं काफ़ी सामान डालती हूँ, पुड़ियाँ वगैरह, दही पड़ी, किसने आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये जो छोले होते हैं मुर्रे में बांटने के लिए, इसमें मैं प्याज, टमाटर और इमली का रस डालूँगी, नींबू डालूँगी और चाट मसाला, पुदीना और हरी मिर्च डालूँगी, और कुछ भी नहीं डालूँगी इतना, बस ये मैंने बोला बना कर तो मोहल्ले में बांट लूँगी और अपने कुछ रिश्तेदारों के घर है वहाँ पर भेज दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन मैं शरबत बनाती हूँ, दूसरे दिन चावल, तीसरे दिन खीर, और चौथे दिन जो है छोले बना लेती हूँ। बस जिसकी जितनी हैसियत होती है, जितनी गुंजाइश होती है, और कोई अपने मुताबिक खैरात करता है तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, कबूल करने वाली ऊपर वाले की ज़ात है। तभी इसके ऊपर की झाग निकाल दूँगी। और आज 10 मुहर्रम का दिन है तो बहुत एहतराम का दिन है,
जैसे हमारे मामा ने कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, जान जाए पर ईमान नहीं जाए। ईमान का मतलब है कि झूठ मत बोलो, धोखाबाजी नहीं करो, किसी के साथ दगा नहीं करो, किसी के साथ धोखा नहीं करो, किसी की दिल आजारी नहीं करो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करो। तो यही होता है जिसका ईमान मजबूत हो जाता है। ईमान मजबूत होता है तो वो ऐसे नहीं करते, इसीलिए कहते हैं कि जान जाए ईमान नहीं जाए। तो हम भी कोशिश करें जो हमारे इमामों ने हमारे लिए जो दिए हैं कुर्बानियाँ, तो हम उन कुर्बानियाँ अपने मज़हब के लिए, इस्लाम के लिए हम भी ऐसे ही करें, अपने जो मज़हब है उसके मुताबिक ही चलें और किसी की दिल आज़ारी मत करो। सबसे गुनाहगार काम जो है, जो अल्लाह की नज़र में, हमारे नबी की नज़र में दिल आज़ारी है, दिल किसी का नहीं दुखाओ। कहते हैं कि दिल में खुदा बसता है तो दिल किसी का नहीं दुखाया करें। कोशिश करके मैं भी यही कोशिश करती हूँ और आप लोग भी यही कोशिश किया करें, दिल किसी का मत दुखाएं, किसी के साथ धोखा नहीं करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करें, बदगुमानियाँ नहीं पालें। सबसे पहले जहाँ पे बदगुमानी आ जाती है वहीं पे सब गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, वहीं से सारी कहानी शुरू होती है, लड़ाई झगड़े दिल आज़ारी, दिलों में नफरत है। तो अपने दिलों में बदगुमानियों को जगह नहीं दें, सुनी सुनाई बातों पर तवज्जो नहीं दिया करें। आँखों देखे भी झूठ होता है, कभी कभी दिखता कुछ है होता कुछ है, तो प्लीज़ बदगुमानियाँ नहीं पालें। बदगुमानियाँ किसी के कहने पे अपने दिल में किसी भी बदगुमानी को जगह नहीं दें। और आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, एक आधी कोई करते हैं और मेरी कोई भी पूरी नहीं देख रहा, क्योंकि मैं कमेंट से अंदाज़ा लगा लेती हूँ। एक दो कमेंट ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, कोई मेरी वीडियो पूरी नहीं देखता। और जो जिसको मैंने सब्सक्राइब किया मैं उनकी फुल वीडियो देखती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो कोई भी पूरी नहीं देखता है। थोड़ी सी देखकर और आप लोग मेरी वीडियो को छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, तो मैं सॉरी आप लोगों को नहीं कह सकती कि आप लोग मेरी वीडियो देखें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी वीडियो खोलते हैं तो फिर मेरी वीडियो पूरी भी देख लिया करें। मैं आप लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी वीडियो देखिए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, तो मेरी वीडियो पूरी देखा करें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप लोग नहीं देखते तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे, मेरे लिए भी दुआ किया करें। और मैं जब छोले तैयार कर दूँगी तो वो वीडियो इसी में मैं ऐड कर दूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।